रुपए से मेंटली परिषद द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन क्लब फिरोजाबाद में किया गया। वार्ता के दौरान बताया कि आगामी 29 जुलाई को एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें सैकड़ों यूनिट ब्लड डोनेट किया जाएगा। मेंटली परिषद द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन 29 जुलाई को किया जाएगा। निशुल्क रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य रक्त संग्रह करके जरूरतमंद लोगों को निशुल्क रक्त दिया जाए। डॉक्टर यानी कि मुकेश गुप्ता मामा सहित तमाम पदाधिकारी इस प्रेस वार्ता में मौजूद है और उन्होंने विस्तृत रूप से कार्यक्रम की जानकारी दी। हम आपको बता दें कि माथुर वैश्य समाज तमाम सामाजिक कार्य समय समय पर करता रहता है और इसी के तहत एक विशाल स्तर पर एक निशुल्क रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि 100 से अधिक यूनिट संग्रहित किए जाएं और ज़रूरतमंद लोगों को निशुल्क जीवन दान के रूप में वह रक्त दिलाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज़, फिरोजाबाद। अखिल भारतीय मातृवत महासभा के सौजन्य से ये तृतीय रक्तदान शिविर पूरे भारतवर्ष में पूरे मातृवत समाज के द्वारा लगाया जा रहा है। रक्तदान के लिए कोई जात बंधन नहीं है, ये तो केवल एक सामाजिक सहयोग है और इसमें से 50% जो रक्त हम लोग इकट्ठा करेंगे, हमारा टारगेट है 5,000 से लेकर 8,000 यूनिट पूरे भारतवर्ष में इकट्ठा करके इसमें से आधा रक्त जो है ये आर्मी हेडक्वार्टर या आर्मी की हम उसमें मिलिट्री हॉस्पिटल में भेजेंगे, ऐसा सोचा गया है। और प्रतिवर्ष ये लगाने का विचार है, तीसरी वर्ष लगाया जा रहा है और हमारे मंडल प्रमुख राम कुमार गुप्ता सिंह की, मंडल अध्यक्ष मुकेश कुमार गुप्ता और सभी युवा दल के साथी इसमें भरपूर सहयोग कर रहे हैं। युवा दल का कार्यक्रम है, हमारे यूथ समाज के जो है एक अच्छा पुनीत कार्य कर रहे हैं और मैं सभी समाज के बंधुओं से अपील करता हूँ इस पुनीत और सेवा कार्य में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा दें और इस पुनीत कार्य को अपना सहयोग कर सफल बनाएं। साथ ही जैसा कि रक्तदान एक रक्त ऐसी चीज़ है जो किसी फैक्ट्री में निर्मित नहीं होता, ये मानव शरीर में स्वतः ही निर्माण होता है और इतनी मात्रा में होता है कि अगर साल में एक बार एक व्यक्ति रक्त दान करता है तो उसको कोई नुकसान नहीं होता और बहुत सारी बीमारियां जो उसको होती है वो भी पता चल जाती है। इसलिए प्रति जो जवान व्यक्ति हैं करीब 55 साल तक की उम्र के लोग रक्तदान आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं होता और ये शरीर के लिए फ़ायदेमंद ही है। मातृभाई अखिल भारतीय मातृभाई महासभा के अंतर्गत केंद्रीय युवा दल के द्वारा पूरे हिंदुस्तान के राज्यों में बच्चों को पढ़ने के लिए जो गरीब बच्चे हैं उनको कॉपियां वितरित की जाती हैं, इसकी जो भी कीमत होती है उससे आधी कीमत पे कॉपियां उन गरीब बच्चों को दी जाती हैं। स्कूलों में जाके हम इन कॉपियों को देते हैं, कई बच्चे को 5-5 कॉपी देते हैं और कुछ जगह फिरोजाबाद में भी विशेषकर एक दानदाता महोदय हैं जिन्होंने कि कॉपियों का जो आधा पैसा हम बच्चों से लेते थे वो पैसा भी अपने पास से दे के बच्चों को स्कूलों में कॉपियाँ फ्री बांट रहे हैं और इस कॉपी के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट के द्वारा हम लोगों ने धन संग्रह करके उस धन को 29 जुलाई 2018 रविवार को अखिल भारतीय मातृवत्स महासभा के अंतर्गत केंद्रीय युवा दल के नेतृत्व में एक विशाल रक्तदान शिविर पूरे भारतवर्ष में लगाया जा रहा है जिसमें सर्व समाज से अपील की जाती है। ऐसा नहीं है कि वो मातृवैश समाज की तरफ से कैंप लग रहा है तो उसमें केवल मातृवैश समाज ही ब्लड डोनेट करेगा। मैं सर्व समाज से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ कि वो 29 जुलाई को जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद, ट्रामा सेंटर फिरोजाबाद, सुखाबाद पटवारी जो मातृवैश धर्मशाला पटवारी रोड पर है, वो सिरसागंज सब जगह कैंप लग रहे हैं फिरोजाबाद के अंतर्गत, वहाँ सभी लोग अपना ब्लड डोनेट करें। ऐसा नहीं है कि ब्लड की जो आवश्यकता है वो केवल मातृवत्स समाज को रहती है या किसी और को, वो तो किसी के भी किसी भी व्यक्ति को उसकी जरूरत पड़ सकती है, उसके लिए मातृवत्स समाज हमेशा तत्पर रहता है और हमेशा रहा है। मैं सर्व समाज से अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिनांक 29 जुलाई 2018 को ब्लड डोनेट करें और अपने आप को रक्तदान देकर गौरवान्वित महसूस करवाएं। और इसके साथ ही मैं समाज से अपील करूंगा, सर्व समाज से, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, कि वो आए और उनको पूरा सम्मान जो रक्तदाता को मिलना चाहिए वो पूरा सम्मान मिलेगा। धन्यवाद।
जैसा कि अखिल भारतीय मातृवत्स महासभा के निर्देशन में केंद्रीय युवा दल के तत्वाधान में फैजाबाद मंडल के द्वारा ये रक्तदान कैंप तिथि वर्ष लगाया जा रहा है। फैजाबाद मंडल में 6 जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर, SN हॉस्पिटल, जीवन धारा ब्लड बैंक, श्री मोहन मेडिकल स्टोर मक्खनपुर, श्री राजाराम मातृवत्स धर्मशाला सुखाबाद और डॉक्टर श्री ऋषिनाथ मेमोरियल हॉस्पिटल सिरसागंज। 6 कैंप लगाए जा रहे हैं जिसमें लगभग 400 यूनिट लगने मतलब आने की संभावना या पूरी तरीके से हर संभव कोशिश की जा रही है मंडल के पदाधिकारी द्वारा। इस चीज़ में एक चीज़ और कहूँगा, मौका दीजिए अपने खून को बहने का, कई जिस्मों में जिंदा रहने का। महासभा केंद्रीय महासभा के अंतर्गत फिरोजाबाद में मातृवत्स केंद्रीय युवा दल कैबिनेट के द्वारा 29 जुलाई दिन रविवार को ट्रामा सेंटर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में फिरोजाबाद जिले से जितने भी कैबिनेट के पदाधिकारी हैं प्लस समाज के जितने भी समाजसेवी संस्थाएँ हैं वो सब अपना ब्लड डोनेट करेंगे। और इस कैंप में फिरोजाबाद मातृवत्स मंडली परिषद के मंडलाध्यक्ष श्री मुकेश मामा जी, श्री दीपक गुप्ता कालू जी, श्री शंकर गुप्ता न्यू लाइट, मैं स्वयं पंकज गुप्ता ने वर्तमान महासचिव इस कार्यक्रम को विस्तारपूर्वक एक नया रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। जितना भी ब्लड यूनिट हमारे फिरोजाबाद कैंप में एकत्रित होगा उसका आधा फिरोजाबाद रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से भारतीय सेना को हम लोग भेजने का पूरा प्रयास करते हैं और इस कार्य को हम समझते हैं पूरा कर भी लेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं फिरोजाबाद की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि इस 29 जुलाई के कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभाकर रक्तदान एकत्रित कर इस पूर्ण लाभ को कमाएं और फिरोजाबाद ही नहीं पूरे भारतवर्ष में इस दिन 29 जुलाई को एक संगठन के माध्यम से कैंप लगाए जा रहे हैं जहाँ जहाँ जो भी अन्यत्र शहरों में लोग रहते हैं। इसकी मातृवत्स केंद्रीय युवा दल द्वारा जो हमारा तटीय महारक्तदान शिविर है 29 जुलाई 2018 दिन रविवार को वो हमने रखा है केंद्रीय युवा दल ने, जो कि पूरे भारतवर्ष में एक ही दिन एक ही डेट में रखा गया है, जिसमें लगभग 8 से 10 हज़ार यूनिट ब्लड डोनेट करने की जो है संभावना है और हमारा जो टारगेट है वो 8 हज़ार का है, लगभग वो टारगेट पूरा किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करने की जो अपील हम लोग इस प्रेस मीडिया के माध्यम से करना चाहते हैं अपने पूरे शहर के लोगों से